हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो ये मॉडल का फ़ोन है, मुझे पता नहीं ये कौन सा मॉडल है, लेकिन इसमें कस्टमर की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये हाथ से गिर गया था। तो गिर के देख ही सकते हैं, इधर टूट गया है। तो मेरे पास ऐसी कंडीशन में फ़ोन आया, तो फ़ोन पहले ऑन नहीं हो रहा था, चार्ज में लगाने के बाद सिर्फ चार्जिंग लोगो ही शो हो रहा था। जैसे कि देख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही कुछ, तो ऐसा ही कुछ आ रहा था। तो तब आपको उस केस में क्या करना है, आपको ये जो बैटरी है, किसी भी फोन है उसका बैटरी रिमूव करना है। तो उसका बैटरी रिमूव करके आप किसी भी बैटरी बूस्टर से लगा के आप उसको बैटरी को बूस्ट कर लीजिए, या फिर आपके पास ऐसा अगर मल्टी चार्जर हो तो इसको आप बूस्ट कर सकते हैं आसानी से। इसको 2 से 3 घंटा बैटरी को लगा के रखिए, बैटरी बूस्टर अगर हो तो उसमें तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये अगर आपके पास मल्टी चार्जर है तो आप इससे 2 घंटे लगा के रख सकते हैं बैटरी को, ताकि बैटरी में चार्ज आ जाए। चार्ज आने के बाद आपको सिंपली इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। बोर्ड में कोई डिफेक्ट अभी तक नहीं आया है, कोई शॉर्टिंग की वजह से अभी ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो गया था फुल्ली इधर में लगने की वजह से, तो आप ये कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ऐसा ही आ रहा था पहले, एकदम कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर 43% चार्ज हो गया जब मैंने इस बैटरी को चार्ज किया, तब ये था 12%, अब ये 43% है चार्जर लगा के 12% तक इसको बूस्ट किया वो मल्टी चार्जर ने। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो से अगर आपको कोई भी फायदा हुआ तो आप जरूर एक लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।